ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का पोलोटी का पार्ट 6 होगा, और हम यहाँ पर दो आज काउंसिल एक्ट देखेंगे। एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और दूसरा एक्ट देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दो एक्ट हैं, और इस एक्ट में से देखो सारे एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट है, जैसे इसमें से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आयोग पूछ भी सकता है। तो पहला एक्ट देखते हैं हम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इस एक्ट में वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि भाई पूछ भी सकता है, थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा ही है। देखिए इस एक्ट में एक तो डिसेंट्रलाइजेशन जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे तो वहां पर मद्रास और जो मुंबई प्रोविंसेस थे इनके इनकी जो प्रेसिडेंसी थी, इनकी जो लॉ मेकिंग पावर थी वो छीन ली थी। और जो बंगाल का जो गवर्नर था, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसरॉय, उसको दे दी गई छीन कर। तो उनके पास लॉ मेकिंग नहीं रही, वे सबॉर्डिनेट बना दिए गए जो बंगाल का गवर्नर होगा। लेकिन अब जो है उनको पावर दे दी गई कि ठीक है भाई आप अपनी जो है लॉ मेकिंग पावर आप हम तो तुमको दे रहे हैं, आप लॉ बना सकते हो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और तीन नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, एक तो बंगाल के अंदर और एक ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंट वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर और पंजाब के अंदर। नाम याद नहीं, नाम जरूरी नहीं इतने इंपॉर्टेंट हो, बस ऐसा थोड़ा सा पता होना चाहिए भी लॉ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें पहली बार वॉइसरो को इम्पावर किया गया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, जैसे हमारे गवर्नर और प्रेजिडेंट इशू करते हैं। तो उसकी जो डेट थी वो मतलब उसका जो टाइम था, टाइम पीरियड 6 मंथ तक, वो जो लॉन्ग जो ऑर्डिनेंस रहेगा वो 6 मंथ तक ही वैलिड रहेगा। एक पॉइंट तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर इंडियंस को शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट याद रखना, कौन कौन से थे, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राय। तो इनको जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाए कि भाई आप जो है आप हमारे साथ बैठो, लॉ लॉ बनाने हैं हमको, तो तुम भी हेल्प करो हमारी लॉ बनवाने में। अब एक और चीज, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्निशन दी, इंट्रोड्यूस कर दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अब इसको एक रिकग्निशन दे दी थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस काउंसिल एक्ट के अंदर, बाकी इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें देखते हैं क्या कर। देखिए इस एक्ट में जो था, जो सारी स्लाइड इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ देख लो। एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट, देखिए इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ कि, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्शन किए गए। जैसे मान लो कि सीट खाली होगी तो अब देखिए सीट इसको भरना है, तो इसको भरना है तो कौन रिकमेंड करेगा, जो लोकल म्यूनसिपैलिटी होंगी वे रिकमेंड करेंगे भाई सीट को भरो। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, और ये लोग अपनी साइड से कुछ लोगों को भेजेंगे चुनकर कि भाई जो भी इसके लिए सुटेबल होगा वो उस वैकेंसी के लिए उसको बैठाया जाएगा। तो इन्होंने जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो है प्रोविजन कर दिया था, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन शब्द इन्होंने कहीं यूज नहीं करा था। एक तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट, ये वाला इलेक्शन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतना नहीं है। और ये जो एक्ट था वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके अलाइड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मतलब ज्यादा नहीं है देखो है तो एक्ट ही, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे छोटे एक्ट, एक्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं। और एक एक पॉइंट ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि ये बजट डिस्कस कर सकते हैं लेकिन बोर्ड नहीं डाल सकते। ठीक है, बजट डिस्कस कर सकते हैं, बोर्ड नहीं डाल सकते हैं, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन का मतलब देखिए, बजट का मतलब ये होता है कि जब भी बाहर हमारे यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया जाता है तो उस पर जो भी प्रोविजन होते हैं उन पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। ठीक है, तो अब आप वोट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो लेकिन वोट नहीं डालोगे, जब भी वोटिंग की बारी आएगी तो वोटिंग होएगी, वोटिंग होएगी नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन था इस वाले एक्ट के अंदर कि जो है आप बजट पर वोटिंग नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो बजट डिस्कस कर सकते हो विदाउट वोटिंग के अंदर। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो है मतलब पावर बढ़ाते जा रहे हैं ये। और ये इलेक्शन वाला एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव वाला। अब इसमें इस वाले ऊपर वाले एक्ट में जो काउंसिल एक्ट था 1861, इसके अंदर ये वाले दो तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये वाले याद रखना बस, जो जिन पर मैंने मार्क किया है। आगे अदरवाइज ये दो एक्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, दूसरे वाले जो एक्ट हैं
वो काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ये वाला। तो ये दो एक्ट है, इसको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन पर पूछे गए हैं। तो मिलते हैं हम अपनी दूसरी वाली वीडियो में।